हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कि सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है, अब रेलवे वालों ने तो एक अलग ही सिस्टम निर्धारित कर दिया है, खैर उससे हमें क्या लेना देना है। जैसे कोई व्यक्ति है कि वो अगर 60 साल का होता है तो उसे सीनियर सिटीजन की जो है संज्ञा दी जाती है, और 60 साल से कम है, 60 साल से कम है और 18 साल तक है, मतलब 18 साल से लेके और 60 साल के कम वालों को अडल्ट की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आपने एक्सेल में ऐसा किया होगा, और उससे जो छोटे हैं उनको बॉय या चाइल्ड बोल दिया जाए। इस तरीके का हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है कि एज डालते ही वो बता दे कि वो क्या है। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना है, तो यहाँ पर एक्सेस का मेरे पास 2021 है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे। और जैसे ही ब्लैंक डाटाबेस पे जाते हैं तो ये सिनेरियो आता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक किया तो ये सिनेरियो आता है। अब आपको यहाँ पर व्यू पे जाना है, और व्यू पे जाते ही यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ इस टेबल को, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये नाम दे दिया सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखिए ये आईडी है, ठीक है, आप इसे वोटर आईडी, आधार आईडी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपने लिख दिया आधार आईडी, तो एक डमी आधार आईडी डालूंगा, ये कोई रियल आधार आईडी होगी नहीं। और इसका डेटा टाइप मैं रखूंगा शॉर्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर नेम ऑफ सिटीजन कर देंगे, नेम ऑफ सिटीजन, सिटीजन। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ सिटीजन, और यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। और यहाँ पर आएगी उनकी एज, समझ रहे बात को, यहाँ पर आएगी क्या, उनकी एज। तो ये एज लिख दिया। अब एज लिखने के बाद यहाँ पर एज क्या होगा, एज तो नंबर ही होगा, तो यहाँ पे इसे नंबर रख देते हैं और यहाँ पर बना देते हैं डेसिमल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें बनाना होगा इसे डबल, तो डबल बना देंगे तो डेसिमल वैल्यू भी ये एक्सेप्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, यहाँ पर हमको ये पता करना है कि इज सीनियर सिटीजन, यहाँ पे कर देते हैं स्टेटस, क्या कर देते हैं, स्टेटस कर देते हैं। तो स्टेटस में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ 2021, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो बस इस कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो वहां पर आपको कैलकुलेटेड नहीं मिलेगा, तो आपको यही चीज क्वेरी बना के करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन एक मिल जाता है आपको बना बनाया, आई इफ का। देखिए एक्सेल में तो आपको इफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस में मिलता है आई इफ। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, क्या करना है, एज डालना है, एजी एज। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट तो हम एज के ही हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आई इफ लगाया है। ठीक है, ये फंक्शन लगाया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो है नहीं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो यहाँ पर आई इफ ही आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आई इफ यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से मैंने यूज किया है, और एज को रखा है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यानी अगर कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जो 5 साल से छोटा है या 5 साल के बराबर है, तो उसे चाइल्ड की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति 60 साल से छोटा है, ठीक है, 60 साल से छोटा है लेकिन 5 साल या 5 साल के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो क्या है, अडल्ट है। और अगर कोई व्यक्ति इन दोनों ही क्राइटेरिया को जो है फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे में वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा, यानी 60 साल या 60 साल से ज्यादा का जो भी व्यक्ति होगा वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। तो ये मैंने डिसाइड कर दिया, और डिसाइड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से यस करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही 60 आया है तो एक डमी आधार कार्ड नंबर यहाँ पे हमने डाल रखा है, और यहाँ पे सिटीजन का नाम रितेश है, और ये सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, क्योंकि एज कितनी होगी, 60 साल होगी, तो ऑटोमेटिक सीनियर सिटीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा आधार कार्ड, डमी आधार कार्ड एक और लेते हैं, और यहाँ पर जो सिटीजन का नेम है वो दे देते हैं राजू सिंह, ये हमने दे दिया सिटीजन का नेम। और यहाँ पर कर देते हैं क्या, यहाँ पर 40 एज डाल देते हैं। तो जैसे ही 40 डालेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये अडल्ट अपने आप आ रहा है। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं, क्या पता कि कुछ गलत आ जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, अब तो गलत नहीं ही आएगा। देखिए यहाँ पे राहुल नाम लिखा, और अब अगर मैं एज डालता हूँ यहाँ पे 17, तो 17 पे भी ये अडल्ट दे रहा है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ही ऐसी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आधार कार्ड आईडी आ गया, फिर यहाँ पर अगला नाम आएगा, तो यहाँ पे कुंदन एक और नाम दे दिया हमने, और जैसे ही नाम देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं 6 वर्ष, तो 6 वर्ष का व्यक्ति भी यहाँ पे अडल्ट दिखा रहा है। आप चाहे तो एक क्राइटेरिया
जो है बेबी का भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद फिर चाइल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 60 ईयर से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए और यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं लोकेश, और यहाँ पे देखिए 60 ईयर से ऊपर जैसे ही हम करते हैं, यहाँ पे के छूट गया है, यहाँ पे के भी दे देते हैं, ये हो गया के। अब देखिए यहाँ पे 60 ईयर या 60 ईयर से ऊपर जैसे ही करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, सीनियर सिटीजन दे रहा है ऑटोमेटिक। एक क्राइटेरिया चाहे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं बेबी का, ठीक है।